अरे भारत में दो, भारत में दो प्यारा नाम, कि भारत में दो प्यारा नाम, जय 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 भीम हम श्री राम, भारत में दो प्यारा नाम। पढ़े जो इनको सुबह हम अंबेडकरवादियों की बात कर रहे हैं, हम साफ शब्दों में कह सकते हैं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी दम था। हम अपनों से परेशान हैं, अभी देख रहे हैं कुछ लोग आते हैं, अच्छा बाबा साहब का नाम इतना पॉपुलर है कि बाबा साहब का नाम लेकर के एक गधा चराने वाला भी मिनिस्टर बन सकता है, और उनके समाज के लोग कपार पर लेकर के बैठाएं चाहे ना बैठाएं। बाबू नाम बताएंगे, आज बाबा साहब का नाम लेकर के गैर बिरादर के लोग अपने को चमका लेते हैं, अरे बाबा, लेकिन साहब अन्यथा नहीं लेंगे, बहुत लोगों को बात बुरी लग जाएगी। वो केवल बाबा साहब के नाम को हथियार बनाते हैं, उनको बहुजनवाद से लेना देना नहीं है, नहीं है। अब इस समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों को समझना होगा कि वह असली अंबेडकरवादी है कि नकली अंबेडकरवादी है, कहीं सियार मातीन देहिया नहीं खिन गई ले। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मान्यवर साहब की एक एक लाइन में आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। अंबेडकरवादी क्या बन गए हैं, बाबा साहब की प्रतिमा रख लेंगे, बाबा साहब का स्टैचू बनवा देंगे, बाबा साहब का तस्वीर रख देंगे और लेके एक मुट्ठी अगरबत्ती दिखा रहे हैं। बाबा साहब के किसी भी लिखे हुए किसी भी पुस्तक में आप ऐसी लाइन पढ़ेंगे कि जहां लिखे हैं उन्होंने की पूजा करना हो, बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि मैं राम कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, जब भगवान नहीं मानूंगा तो फिर मैं पूजा भी, क्योंकि पूजा वो करते हैं जो भगवान मानते हैं। और इसके बाद एक अहम प्रतिज्ञा उन्होंने लिखा है कि मैं कभी धूम्रपान नहीं करूंगा, और मैं नहीं करूंगा तो हमें मानने वालों को क्या करना चाहिए क्या? जब बाबा साहब ने कहा कि मैं नहीं करूंगा तो बाबा साहब के मानने वालों को करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा मैं नहीं मानूंगा हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को, तो क्या आपको मानना चाहिए? और यदि आप बाबा साहब को मानते हो और बाबा साहब की कही हुई बातों को नहीं मानते हो तो क्या आप अपने दिल से पूछ लो कि आप अंबेडकरवादी हो? न आप अंबेडकरवादी हो, न पाखंडवादी हो, न मनुवादी हो, आप ढोंगवादी हो। पूजना नहीं है महापुरुषों को, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी साफ बताते हैं समाज को पूजना नहीं है, लेकिन हमारे समाज के लोग पूजना चालू कर दिए हैं, भगवान बना लिए। कुछ गवैया कहता ना स्वर्गवा से रोवा तारे भीमा के ललनवा, दुखवा भारी बाटे कहिया जागी बहुजन समाज। बाबा साहब ने स्वर्ग नरक की कल्पना की थी क्या? जब बाबा साहब ने स्वर्ग नरक की कल्पना नहीं की थी तो अरे बेवकूफ राइटरों, कम से कम एक बार बाबा साहब को पढ़ लेते तब कलम चलाते, वरना तुम अपने समाज को अंधकार में लेके जा रहे हो। वरना अगर यहाँ कोई जोताई करे तो ओकरा ऊपर कोई हेंगा चला दे तो जितना जोतल है उतना बराबर। आप जानते संत जी का ब्राह्मणीकरण कर दिया गया, संत जी का ब्राह्मणीकरण कर दिया गया, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे कि इनका ब्राह्मणीकरण नहीं हो पाया, नहीं वो कर पाए। लेकिन अगर तुम कह दो, हमारे मिशन सिंगर कह दे कि नहीं कला की स्वर्ग से बाबा रो रहे हैं, धीरे धीरे सुनते सुनते हमारे समाज के लोग सोचेंगे कि बाबा साहब स्वर्ग में रियली रो रहे हैं। बाबा साहब की लाइन में बता रहा हूं, करना क्या अपने महापुरुषों को आप लोग बता रहा हूं, पढ़े जो इन
बहुजनों का प्यारा नाम जय 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 भीम काम सीरा बहुजनों का मंदिर के आगे खड़ा हो जा लोग अपने बचवा के 25 साल पुजारी बना दो वो मास्टर न बने वो इंस्पेक्टर न बने साले भिखारी बन जाएगा। बाबा साहब के स्टैचू के सामने अपने बच्चे को कह दो 25 साल तक बाबा साहब के यहाँ धूप दीप अगरबत्ती जलाए वो भिखारी बनेगा इंस्पेक्टर अधिकारी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। हमारे महापुरुषों ने कहा मुझे पूजना मत मैं मूर्तियों में नहीं हूँ नहीं मिलूंगा मुझे पढ़ लेना पढ़ लोगे मुझे तो कल्याण हो जाएगा अर्थात मुझे पढ़ने का मतलब कि आप पढ़े लिखे रहोगे तभी हमें पढ़ोगे। कोई अनपढ़ थोड़ी पढ़ेगा बाबा साहब को अनपढ़ नहीं पढ़ेगा। देखिए दोनों महापुरुषों ने क्या किया। हमने कहा दो साहब की चर्चा कर रहे हैं इन दोनों साहब की चर्चा रोज गली गली में होती है मोहल्ले में होती है घर घर में होती है बाकी आजकल के जितने हायर एजुकेटेड साहब इनकी चर्चा क्यों नहीं होती भाई। वाह अभी तो साहब है बच्ची ने बताया आपने नौकरी छोड़ दिया बाबा साहब ने समाज के लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया बहन कुमारी मायावती जी ने समाज के लिए बातें बढ़ जाती है बातें बढ़ जाती बहन कुमारी मायावती जी ने समाज के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया ऐसा कोई नेता करने वाला है क्या कोई है। हम आप खुद सोच लीजिए कि हम आप करते हैं क्या नहीं करते। इन दोनों साहबों की चर्चा देश विदेश में क्यों होती है तो आइए पहली लाइन में बताने जा रहा हूं। एक किए बेटा कुर्बान दिल को छूने वाला पहलू बोल रहा हूं। साहब बाबा साहब का जयंती आवता ना हमारे समाज में बड़े बड़े पदाधिकारी में सबकी तो बात नहीं करता इनके गांव में वो तनी बताया था अरे बताया था नाम ले लो इज्जत से जज कितना चंदा देते हैं 500 नहीं 5 रुपया 5 रुपया 500 नहीं। साहब आप लोग तो आसानी से आए और हम दोनों कलाकारों को 1000-1000 रुपया दिए सम्मानित किए जब भी गार्जियन जितने भी परिवार के मेंबर थे सबके नाम से 1000 रुपया 5 रुपया वो जज चंदा देता था। आज भी हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं बाबा साहब की जयंती है हाँ हाँ ठीक है आ जाएंगे चंदवा साहब हाँ कल दे देंगे परसों दिन चलिए वहीं पे आते हैं देते हैं ना। वहां आते आते बच्चे को सर्दी जुखाम हो जाता है और बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। उस साले कमीना भले ना मेहरारू संगे सुतल हुई माफी चाहता हूं देखिए मैं जितना नरम हूं उतना ही गर्म हूं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया एक किए बेटा कुर्बान एक दिया है जीवन दान एक किए अरे रात दिन ना किए करा खाती अपना खाती। अगर वो लोग आराम भी फरमाए होते ना ये लेनिया बोल नहीं तो तब रात दिन ना किए आराम जय 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 भी काम सीरा जी ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी क्या अपने लिए क्या उनको उनके बच्चे प्यारे नहीं थे। अरे साहब जब आपका बच्चा आपको प्यारा हो सकता है जानवर का बच्चा जानवर को प्यारा हो सकता है तो बाबा साहब तो पूरे देश के बच्चों को बच्चा समझते थे तो क्या अपने बच्चे उनको प्यारे नहीं थे।
लेकिन चार चार बच्चों की कुर्बानी दे दी उन्होंने। मान्यवर कांसी राम साहब जब समाज के लिए घर से निकले तो माँ को चिट्ठी लिख करके निकले, माँ अब तेरा कांसी राम वापस नहीं आएगा। हिम्मत नहीं जुटा पाए कि माँ को सामने से कह सके कि माँ अब मैं यहां नहीं आऊंगा। हम आप कहां हैं, क्या करते हैं? दो साहब के बाद तीसरे साहब का नाम क्यों नहीं आता है? एक आठ प्रोफेसर साहब भी लोग आए हैं, सीट मिल गई, जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो पार्टी बदलना तय है। लिख लीजिए, मैं भी कुछ भविष्यवाणी कर ही देता हूं। और ये भविष्यवाणी इसलिए मैं नहीं करता हूं कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, ये भविष्यवाणी इसलिए करता हूं कि आपका वर्तमान आपका भविष्य तय करता है। यहां बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है, मैं जो बोलूंगा जांची परखी हुई बात बोलूंगा, आपका वर्तमान आपका भविष्य तय करता है, और आपका वर्तमान ही आपका भूत है, और आपका वर्तमान ही आपका भविष्य है। इनकी दोहरी नीति समझ में आ रही है, दो चार साहब आए हैं, लेकिन ये साहब बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम साहब की बराबरी कभी नहीं कर पाए, चूंकि इन साहबों को अपनी गद्दी बचानी है, न कि समाज को बचाना। आज अपने समाज की बात कर रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने चार चार बच्चों की कुर्बानी दी, क्या वो चाहे होते? आज चंद पदों पे बैठने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग नौकरी पा जाते हैं पढ़ लिख करके तो बड़ी फक्र से कहते हैं उनके पिताजी चाहे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे पंडित का पतरा फेल हो गया, उसमें मैंने बताया था, वही बात रिपीट कर रहा हूं। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि अरे भैया का करब, हमारे लड़कवा पढ़ गई, आप पढ़ल तो इतना तेज भैल कि जाकर नौकरी लग गई, डीएम बनल, कलेक्टर बनल, मास्टर बनल, इंजीनियर बनल, और चल के भगवान शंकर के पांच मन लड्डू चढ़ाई, हर कीर्तन कराई, भगवान शंकर के मर्जी से हमार लड़का ऑफिसर बन गई। यह पढ़ा लिखा समाज एक बार नहीं कह पाता है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मेहरबानी से मेरा बच्चा मास्टर बना है, अधिकारी बना है, पदाधिकारी बना है साहब। और ऐसे लोग क्या करते हैं? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, और ऐसे लोग क्या करते हैं कि मैं मास्टर बन गया, मेरा बेटा मास्टर बन जाए, मेरा पोता मास्टर बन जाए, पर पोता मास्टर बन जाए, बगल वाला यही तरह मजदूरी करते रहे। साहब अगर बाबा साहब यही सोच लिए होते, बस इतना सोचिए, मैं किसी की तौहीन करने नहीं आया हूं, नहीं किसी मन से करता हूं, सिर्फ इतना आप सोच लीजिए कि क्या बाबा साहब सिर्फ इतना सोच लिए होते। मैंने एक गीत लिखा है, नौ भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे, तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पे बस एक अम्बेडकर भारी थे। इजन मूर्तियां थोड़ा तो नसल हम बतिया के नहीं रवीना, हम ऐसा ऐसा गीत लिख दिला कि इनका कपार दुखा। उसमें मैंने लिखा है कि लाया जिसने कलम जुग को देती गवाही, पेन है डीएम सीएम पीएम बनना बाबा साहब की देन है, देन है। मनुवादियों के छाती पर संविधान लिखे चढ़कर जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं। उसमें मैंने लिखा है, नौ भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे, तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पे बस एक अम्बेडकर भारी थे, सिंबल ऑफ नॉलेज हुए लंदन अमेरिका में पढ़कर जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं अम्बेडकर। सवाल ये है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतनी डिग्री लेने के बावजूद क्या वो चाहे होते तो इंडिया नहीं वर्ल्ड के सभी देशों में उनकी बिल्डिंगें होती, लेकिन हम और आप यहाँ नहीं होते। उनकी बिल्डिंगें इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर अदर कंट्री में हर शहरों में होती, लेकिन हम और आप यहाँ नहीं होते। हमारे पदाधिकारियों को सुनना समझना होगा, हमारे पोस्टेड लोगों को समझना होगा कि हम अपने समाज का हेल्प करें ताकि हर घर में पदाधिकारी पैदा हो, तब जाके समाज आगे बढ़ेगा। अगर बाबा साहब ने कुर्बानी नहीं दी होती तो जो हम गिने चुने घरों में पदाधिकारी और अधिकारी और मास्टर टीचर इंजीनियर बन के बैठे ऐसा नहीं होता। दूसरी लाइन में बता रहा हूं, एक ने संविधान बनाए,
दोनों साहबों को मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, क्यों दोनों साहब याद किए जाते हैं? एक ने संविधान बनाए, एक ने सोती काम जगाए, एक ने साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। संविधान पे डिस्कस करूंगा तो बहुत बातें लंबी हो जाएंगी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया और संविधान में एक मत का अधिकार दिया, तो मान्यवर कांशीराम साहब से पहले कोई याद करके सोच लेना कि क्या कोई दलित मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता था क्या? संविधान धरा का धरा था, हम वोट देते भी थे लेकिन लेते वो सुरक्षित सीट पर किसी तरह गांधी के हरिजन चले जाते थे। तो फिर सुरक्षित सीट पे गांधी के हरिजन जाते हैं 90%, केवल 10% लोग ईमानदार जाते हैं जिनको लगता है कि नहीं कला के हम अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने आए हैं, सदन में आवाज उठाएंगे, वरना 90% ए मंगरू विधायक बन गए, हाँ ए मंगरू सांसद बन गए, हाँ चार गो फ्लैट ले ल, हाँ 10 गो गाड़ी हो गई सन, हाँ अपना समाज का आवाज मत उठाइय, शांति से बैठा। अगर समाज की आवाज उठाने वाले होते तो मैं दावे के साथ कहता हूं अभी तक नरेंद्र मोदी की सरकार गिर गई होती। काउंटिंग आप रखे हैं, बताइए कहां रहते आप? लेकिन इन भड़ुओं को इन चीजों से मतलब नहीं है, ये दलाल हैं, ये गांधी के हरिजन, इनको समाज से मतलब नहीं ले, लेकिन इन भड़ुओं को उस दिन पता चलेगा जिस दिन कला की वो भी खत्म कर देंगे, तब तुम किस दरवाजे से जाओगे? लात मार के निकाल दिया अजनगढ़िया दिलवंत सिंह तोनो ईडी लगा के छील, इन्हन के समझे में नहीं खे। एक कलाकार जिसको मनोरंजन केवल मनोरंजन के लिए लोग जानते हैं, उस कलाकार को बताना पड़ता है। अगर ये लोग समझ जाते, ऐसे लोग समझ जाते तो हम तो नाच गा के पैसा लेके निकल लेते हैं। बहुत ठोरन का गरियो सुनील साला, तू गावे लेना ही राजनीति करे, क्यों कहना पड़ता है? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, मान्यवर कांशीराम साहब ने साबित कर दिया कि नहीं तुम राजा केवल बना नहीं सकते हो, राजा बन भी सकते हो। सोती हुई कौम को जगाए। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, हमारे समाज के लोग हॉपलेस हो जाते हैं, वैसे क्या करें, समाज में दलाल पैदा हो गए हैं, बहुत सारी पार्टियां बना रहे हैं, क्या करना है? वो जाति बनाए, अब पार्टी बना लो, खुश रहते हैं, चंदा दे देते हैं अंदर से, पिछली गली से ले लो, बना ले जल्दी जल्दी बना ले, दो चार ठेवरी बना लो, क्योंकि तुम बनाओगे तो तुमको हमारे लोग वोट थोड़ी देते हैं, तुम ही बटोगे ना, वो 15 है एक जगह है, हम 85 है 85 जगह है। गौर करना, मानवर कांशीराम साहब ने लोगों को जगाया, लोगों को जगाया, साथियों हम हुक्मरान बनना सीखे। इतना ही नहीं, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, हमारे लोग कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर करने जा रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब समाज के लिए लड़ रहे थे, किसको पता था? किसी को पता था? कोई जानता था? ए हम ही विराग आवे चलने तो चालू करी, तो कोई जान थोड़ी रही कि दिमाग समाज खातिर बोली। लोग खूब हीट भइल होई दिल्ली के अंग्रेज तभी कहे, हां एगो हीट हो गइल बा बिरादर, कमाई तनी नामी हो गवैया हो गइल बा। कोई नहीं जानता था बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समाज के लिए संविधान लिखने जा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को पता था। मुझे उन्हें समाज को आजाद कराना था, बाबा साहब को पता था, आपको पता नहीं था, हमको पता नहीं था, उनके अगल बगल में घूमने वाले लोगों को पता नहीं था, नेहरू को पता नहीं था, पटेल को नहीं पता था, लेकिन बाबा साहब को पता था। जो बात किसी को भी जानकारी में नहीं थी, बाबा साहब ने संविधान लिख करके हमको आजाद कराया कि नहीं कराया? कैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है भाई? आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कैसे हो जाता है? बाबा साहब को एक बार पढ़ लो, हाई रहोगे। रैली में बताता हूँ, थकता हूँ, कभी समाज का ठोकर लगता है, फिर उस मसीहा को याद करता हूँ, हम बोलते हैं उनके सामने मेरा दुख कुछ नहीं है, फिर खड़ा हो जाता हूँ। एनर्जी है, रिवाइटल से भी ज्यादा पावर मिलता है, रिवाइटल से भी ज्यादा पावर मिलता है। बाबा साहब को सिर्फ याद करके खड़ा हो जाना, आप दुगुना पावर पे काम करते हो। मेरा संघर्ष कुछ नहीं है, चलिए जब कुछ नहीं था, लग नहीं रहा था कि हम आजाद होंगे, लग नहीं रहा था कि हम अपनी बात रख पाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान लिख करके आपको आजाद करा दिया। लग नहीं रहा था कि हम राजा बन पाएंगे। एक दिन आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे थे, दिन में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस में, वहां एक स्पीच दे रहे थे हम, यही बात आई, मैंने कहा कि जब मान्यवर कांशीराम साहब साइकिल से चल रहे होंगे तो लोगों को कभी नहीं लगा होगा कि हाथी वाला सरकार बना पाएगा।
हमने कहा लोग कहते होंगे जाते होंगे दरवाजे दरवाजे तो लोग कहते होंगे अरे यार साइकिल से घूम के तुम सरकार बना लोगे। कभी कभी भावुक हो जाता हूँ वो बात याद करता हूँ। मान्यवर कांसीराम साहब के साथ घूमने वाले एक बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, बोले कि हम मान्यवर साहब के साथ साइकिल से चले हैं। हमने कहा यही बात उस टाइम लोग कह रहे होंगे, मैं अनुभव के आधार पर कहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा आप अनुभव के आधार पर कह रहे हो दीवाना जी, लेकिन यही बात सत्य है, ऐसा ही लोग कहते थे। हमने कहा चलो मैं जो अनुभव किया कम से कम सत्य हुआ, मैं जो अनुभव किया तो सत्य हुआ। हमने कहा हाँ लोग कह रहे होंगे, क्योंकि इसलिए मैं अनुभव किया कि मैं वर्तमान, वर्तमान क्या है, आज भी लोग कहते हैं अरे छोड़ा हथिया बड़ी पीछे चल गई, लही फलनवा आ गई, ढकनवा आ गई, चिलनवा आ गई। साहब एक और ही बात बताते नहीं, जो लोग आपका विरोध करते हैं ना, आज भी बहन जी का विरोध अपने ही लोग करें, जिस दिन बहन जी मरेंगी उस दिन सबसे पहले यही चूतिया माला लेकर के पहुंचेंगे। बाबा साहब का विरोध करने वाले भी उस टाइम थे, मान्यवर कांसीराम साहब का भी विरोध करने वाले उस टाइम थे, आज वही मान्यवर कांसीराम साहब के चित्रों पे माला चढ़ाते हैं। हमने कहा कि मान्यवर कांसीराम साहब साइकिल लेकर के चले होंगे, लोगों ने कहा होगा कि नहीं हाथी कभी सत्ता में नहीं आएगी, एक विधायक भी नहीं जीता पाओगे, एमपी एमएलए की बात दूर है। लेकिन जहां जिस पार्टी को और जिस पार्टी के अगुआ को लोगों ने इस तरह कह करके नकारा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका सातवें आसमान पे नहीं हो गया तो कह देना कि ओम प्रकाश दीवाना क्या कह रहा है। मान्यवर कांसीराम साहब ने उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े प्रदेश में एक दलित की बेटी को चार चार बार मुख्यमंत्री बना करके दिखा दिया। कहते हो कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भैया, करके दिखाओ, कहीं नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलें। पावर मिला है, पावर का इस्तेमाल कर लेना, अपने समाज को आगे खड़ा कर देना, अपने समाज के लोगों को बढ़ा देना। अगर सीखना हो तो ब्राह्मणों से सीख लेना, वाह कुरी बदल के ब्याह कर ले, वो कुल काम के लिए रहो। वो हाइब्रिड हो जाता है ना, क्रॉस जाति का उत्पादन हाइब्रिड हो जाता है ना। बस यही समझ लेना, एक सिंपल फंडा बता दे रहा हूँ, चूंकि जातिगत बातें मैं जल्दी करता नहीं ना। अगर आप मानते हो थोड़ा बहुत भी ब्राह्मणों को कि नहीं, तो आप अगर उनकर कई गो पूरी बात, पंडित जी चौबे में चौबे, दुबे दुबे, तिवारी तिवारी तिवारी, पाठक पाठक, मिश्रा मिश्रा मोहपात्र। अच्छा ये बतावा, अगर थाना पर उनकर केस लिखाई तो चौबे जी का रिश्तेदार मिश्रा जी का पाठक जी, पाठक जी का त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी का द्विवेदी जी का जमन सोन, उपाध्याय जी, तिवारी जी, मोहपात्र जी, अच्छा ये कुल रिश्तेदारे हों, तब बताओ वो ढेर रहे कि तू ढेर रहो। यहाँ तो हमन का कत जा चमार है तो चमार है, पासे हो तो अलगे हों, कनौजिया हो तो अलगे हों, खटिक हो तो अलगे हों। हालांकि आरक्षण ले के बारी एक एक में बने, ये दोनों से तो समझ में आयो कि चाहिए कि बाबा साहब जब आरक्षण बराबर लिख ले तो हमने कही कहीं जा एजे चलावा, तन की ऊपर वाली जाति में यादव समाज में साहब यादव समाज में सात को कुरी बा, यहू में कुरिये में साला प्रधानी गड़बड़ा जाता ग्वाल डंडोर करे में किसने होता। हाँ हम समझ, इसीलिए मैं देखिए मैं जो चीज भी कहता हूँ ओपन कहता हूँ, ये चीज इसलिए कहता हूँ कि ताकि समाज अभी भी समझे। अरे भाई पंडित जी के माना तरफ पंडित जी कुरी बदल के बिया कर, तू बिया कर बता का हो जाए, कुछ हो जाए का, अब कहिया समझ बोलो, नहीं तो यही तरफ प्रधानियों का मालूम कर। कुछ दिन में वार्ड 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 होला ना, इधर हम लोग बिहार में वार्ड होता है नहीं होता है, ये वार्डो गड़बड़ा जाए। बातें बड़ी बड़ी है भैया, बातें कम नहीं होती है। गीत की आखिरी लाइन, एक ने हमें आजादी कराए, शासक बनना एक सिखाए, है दीवाना दिल हुआ गुलाम,
मैं किसी की गुलामी नहीं करता, लेकिन अपने महापुरुषों का गुलाम। एक छोटी सी बात कह के विराह खत्म करूंगा, अब एंड करना चाहता हूँ। एंड कर देना, क्या और चाहिए? अरे अभी अभी और चाहिए, हम तो पूरा डोज दे चुके हैं इसमें। अच्छा चलिए, अगर इच्छा है तो एक आध लाइन में कुछ और गा दूंगा, पहले इसको मैं खत्म कर लूंगा। एक बात नहीं, अच्छी बात है, सुनने वाले ऑडियंस अगर पांच ही हो, सुनने वाले हो तो मजा आता है। देखा हम बात कुछ कह वाला नहीं, भुला गया, अरे भुला जाए। हाँ मैं कहने ये जा रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 32 डिग्री लेकर के आए, 9 भाषा की जानकारी उनके पास थी। मुंबई के एक होटल में ठहरते हैं, होटल वाला जात जान करके निकाल देता है आधी रात को। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किसी ने बदला नहीं, वह ठोकर से बदल गए। उनको उसी रात ये लगा कि मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का ये हश्र है, जबकि मेरे साथ इंग्लैंड में ऐसा नहीं हुआ। मुझे इंग्लैंड में किसी ने छूत नहीं कहा, मुझे इंग्लैंड में किसी ने नीच नहीं कहा, मुझे इंग्लैंड में किसी ने चमार नहीं बोला, मुझे किसी ने अमेरिका में अछूत नहीं कहा, मुझे कोई पानी रोकने पानी पीने से नहीं रोका, मुझे कभी किसी ने होटल से नहीं निकाला। अगर भारत में मेरे जैसे लोगों की हालात ऐसी है तो बाकी लोगों की हालात क्या होगी। बाबा साहब को एक ठोकर ने बदल दिया। साहब मैं बता रहा हूं, मेरा कोई राजनीतिक गुरु सामाजिक गुरु नहीं, मुझे ठोकर ने बदला। आप कह सकते हैं कि बाबा साहब जिस तरह से ठोकर खा करके बदले, उसी तरह दिन प्रतिदिन जब मैं जयंती में गया, बाबा साहब को पढ़ना चालू किया, अपने आप को बदलना चालू किया। और थोड़ा बहुत मैं प्रश्न भी करता हूं लोगों से, डॉक्टर जिस डॉक्टर के पास दवा लेने के बाद आप सही नहीं होते, उस डॉक्टर को दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको बदलना होगा, अपने समाज को बदलना होगा, तब जा करके हम बदलेंगे साहब, वरना ये चीजें बदलने वाली नहीं है। मैं सिर्फ अपने महापुरुषों की गुलामी करता हूं, बाकी दुनिया की गुलामी नहीं करता, इसलिए मैंने ये लाइन लिखा। अरे दीवाना दिल हुआ गुलाम, जय 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 भीम कान।